साई, तो क्या इसी कारण से आपने हमें अपनी सेवा नहीं करने दी? भालसपति जी, गृहिणी को नाराज रखकर गुरु सेवा करोगे तो कोई फल नहीं मिलने वाला। अगर मेरी सेवा करना चाहते हो तो अच्छे पति बनो, अपनी पत्नी की मदद करो, बड़ों का ख्याल खुद भी रखो। अगर पत्नी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती है तो उसकी राह आसान करो, न कि गड्ढा खोदकर उसे गिराने की कोशिश करो। साईं, हमें माफ कर दीजिए, हम सबको अपना सबक मिल गया है। हाँ साईं, हम सब लोग अपनी अपनी पत्नियों का पूरी तरह से साथ देंगे। हाँ साईं, राम जी भला करें। तो खबर ही नहीं है कि शिरडी जैसे एक छोटे से गांव में इतने महान पुरुष रहते हैं। ऐसे महापुरुष की गाथा सारी दुनिया को जानने की जरूरत है। इनकी गाथा तो युगों युगों तक अमर होनी चाहिए।
साई के चरित्र का वर्णन करती इस गाथा को मैं लिखूंगा। चिंता मत करो मंगू, आज प्रवचन से पहले तुम्हारी परेशानी हल हो जाएगी। प्रणाम साईं। राम जी भला कर। ये दामोदर राव जी हैं, पुणे के बहुत बड़े व्यापारी हैं, आपसे मिलने आए हैं। द्वारका माई का पता पूछ रहे थे तो मैं खुद इन्हें छोड़ने आ गया। प्रणाम साईं। मुझे आपकी मदद चाहिए साईं। कहो क्या मदद चाहिए मुझसे? ऐसा क्या है जो तुम्हारे पास नहीं है? साईं मेरे पास दुनिया के सभी भौतिक और सांसारिक सुख है, अच्छा परिवार है, धन तो इतना है कि हर चीज खरीद सकता हूं। बस एक ऐसी इच्छा है जिसे पूरा करना मेरे बस में नहीं है। मुझे ब्रह्म दर्शन करना है, ईश्वर को देखना है। आपके बारे में बहुत सुना है साईं, आपने बहुतों की इच्छाएं पूरी की है, आपने लाइलाज बीमारियों को ठीक किया है और कईयों को तो आपने ईश्वर के दर्शन भी कराए हैं। तो कई आपको ही ईश्वर मानते हैं, इसलिए बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं साईं आपके पास, ना मत कीजिएगा। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा दामोदर, लेकिन ये मंगू यहां बहुत देर से बैठा है, इसे कल सुबह तक गांव के मुखिया के पास लगान भरना है, लेकिन फसल अभी कटी नहीं है इसलिए इसके पास पैसे नहीं है। अगर लगान नहीं भरा तो इसके खेत जब्त हो जाएंगे। पहले मैं इसकी मदद कर लूं, फिर तुम्हारी मदद करता हूं। बाला जी साईं। श्यामा के पास जाओ और उससे कहो कि मैंने 5 रुपए उधार मांगे हैं। जी साईं। साईं जब तक वो आ रहा है तब तक आप मुझे ब्रह्म दर्शन करा दीजिए। दामोदर ये बंगू बेचारा बहुत मुश्किल में है, मैंने इसे मदद करने का वचन दिया है, तुम थोड़ी देर इंतजार करो, मैं तुम्हें दर्शन करा दूंगा। साई माधव काका तो घर पे ही नहीं है। नहीं है नंदू? जी साई। बाला तुम भालसापति जी से पूछो और नंदू तुम श्रीकांत से जाकर पूछो। ठीक है साई। साई अब और कितना इंतजार करना होगा, मुझे आज ही पुणे के लिए वापस जाना है। मैंने कब मना किया है दामोदर, मैं तो खुद तुम्हें ब्रह्म दिखाना चाहता हूं, बस पहले मेरा ये काम हो जाए, मुझे 5 रुपए उधार मिल जाए फिर मैं तुरंत तुम्हें ईश्वर दिखा दूंगा। मैं भी तुम्हें अनावश्यक इंतजार कराना नहीं चाहता।
साई, मालसापति काका भी घर पे नहीं है और अध्यापक जी भी घर पे नहीं है। दोनों नहीं मिले, आज कहाँ चले गए सब? रुको, मैं खुद जाकर इंतजाम करके आता हूं। साई, कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे सुबह तक पुणे पहुंचना है, अब और इंतजार नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे मंगू को देने के लिए 5 रुपए लाने हैं। आपको जहाँ जाना है मुझे ब्रह्म दर्शन करा के जाइए ना। लेकिन मैं तुम्हें ब्रह्म क्यों दिखाऊं? क्यों मतलब? आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे ब्रह्म दर्शन कराएंगे। हाँ, कहा तो था, लेकिन मैं कैसे करूं? दामोदर, इस वक्त तुम्हारी जेब में 230 रुपए हैं, उसके बाद भी एक गरीब की मदद के लिए 5 रुपए भी नहीं निकल रहे हैं। कहते हैं हर इंसान में ईश्वर होता है, लेकिन तुमने किसी भी इंसान को ईश्वर समझकर तो दूर, इंसानियत के नाते भी मदद नहीं की। जिसके मन में इतना स्वार्थ, इतना लोभ हो, उसे ब्रह्म दर्शन कैसे हो सकते हैं? उसके लिए तुम्हें षड रिपुओं को परास्त करना होगा, लोभ और मोह का त्याग करना पड़ेगा। आज तक जिसे भी ब्रह्म दर्शन हुए हैं वो लोभ और मोह से परे थे, और तुमसे तो 5 रुपए भी नहीं छूट रहे हैं। जीवन में ऐसे धन का क्या लाभ जो दूसरों के काम ना आ सके? परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम्। अर्थात परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं, नदियां परोपकार के लिए बहती हैं, गाय परोपकार के लिए दूध देती है, और ये शरीर भी परोपकार के लिए ही है। शर्मिंदा हूं साई, मुझे माफ कर दीजिए। आप सही कह रहे हैं, मैंने आज तक किसी की मदद नहीं की। मेरा मानना था कि लोग मेरे पैसे के पीछे हैं, इसलिए मैं पैसे से दूसरों की मदद करने से कतराता था। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि मेरी ये आदत मुझे ईश्वर से कितना दूर ले जा रही है। मंगू जी, लो पैसे रख लो। जी नहीं। ईश्वर ने बहुत दिया है मुझे, अब समय आ गया है कि मैं दूसरों के लिए कुछ करूं। संकोच मत करो, लो रख लो। जितनी मुझे पैसों की जरूरत है उससे ज्यादा पैसे नहीं लेना चाहिए दामोदर जी। और हाँ, जितने पैसे लिए हैं मैंने वो जल्द से जल्द लौटा दूंगा दामोदर जी।
देखा ना दामोदर, हर कोई तुम्हारे पैसे के पीछे नहीं है, इसलिए अब से तुम लोगों को उनकी जरूरत के समय ये सोचकर मदद करना शुरू कर दो कि वो तुम्हारे पैसे के पीछे नहीं पड़े हैं, बल्कि इसलिए तुम्हारे पास आए हैं, इसलिए तुमसे उम्मीद करते हैं, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें लोगों की मदद करने का सामर्थ्य दिया है। और जिस तरह आज तुम खुले दिल से अपनी जेब खाली करके दान करने वाले थे, उसी तरह अपने मन और जीवन से हर बुराई को हटा दो, फिर तुम्हें ईश्वर जरूर दिखेंगे। साई, अब मुझे अपनी नादानी समझ में आ गई है, कितना मूर्ख था मैं अब अपने हर व्यवहार में ईश्वर को शामिल करूंगा, उनकी दी हुई हर सीख को शामिल करूंगा, अब मेरे लिए वही ईश्वर देखने के समान है। राम जी भला करें। सरकार, सरकार, सरकार! ए उल्लू! सरकार, अभी चावड़ी में आपके नाम से अंग्रेजी सरकार का खत आया है। अंग्रेज सरकार ने मुझे बहुत बड़ा कार्य सौंपा है और इसके लिए मुझे जनशक्ति की आवश्यकता होगी। सारे लठैर और अंग्रेज सिपाहियों को सतर्क करो, आने वाले दिनों में किसी से भी कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए, और यदि मैं इस बार इस अवसर का लाभ उठाने में सफल रहा तो और एक गांव का मुखिया पद प्राप्त करने के लिए मुझे दाभोलकर जैसे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हरिओम। मैं जो चाहता हूं वो अंग्रेज सरकार मुझे खुशी खुशी पुरस्कार में दे देगी। और उन्होंने इस बार उनका कार्य करने के लिए असीमित अधिकार दिए हैं मुझे, असीमित। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। चुप। हरिओम हरिओम। नहीं, लेकिन क्यों नहीं साईं? मैं चाहता हूं कि आपके चरित्र की कहानी लोग जगह जगह सुने। लोग क्या करेंगे मेरी कहानी सुनकर? आपको जानने मात्र से इंसान तर जाता है साईं। आपकी कहानी सुनकर तो धन्य हो जाएगा। हाँ साईं, हम तो खुशनसीब हैं कि हमें आपकी संगति मिली, लेकिन 100 साल बाद हम में से कोई नहीं रहेगा, तब भी तो लोगों को साई के बारे में पता होना चाहिए ना। अच्छा ये बताओ, क्या लिखना चाहते हो कहानी में? सही, आपकी कहानी, जन्म से लेके अब तक की कहानी। इसकी आवश्यकता नहीं है। क्या तुम्हारे पास और कोई कारण है? पर साईं, इतिहास तो ऐसा ही लिखा जाता है। मतलब मुझे इतिहास के पन्नों में कैद करोगे, विद्यार्थियों से याद कराओगे कि मैं कब पैदा हुआ, कहां पैदा हुआ? फिर से सोचो, किसी भी कार्य के पीछे कोई उद्देश्य होना चाहिए, निमित्त होना चाहिए।
नहीं तो उस कार्य का कोई मोल नहीं है। साईं, शायद मुझे वो काबिलियत ही नहीं है कि मैं आपका चरित्र लिखूं, पर मेरी नाकामी की वजह से क्या आपका चरित्र नहीं लिखा जाएगा? हिमाड़ पंत, तुम्हारे पास वाजिब जवाब है। जब वो मिल जाए तब मेरे पास आ जाना। मिल गई वजह, मैं पहले क्यों नहीं समझ पाया।